जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बताने वाला हूँ महिंद्रा XUV 700 के बारे में, जो किसी की आप देख सकते हैं ये नया कलर है इलेक्ट्रिक ब्लू जो खड़ी है अभी मेरे सामने मॉडल, एंड वेरिएंट के बारे में एंड सब चीज़ों के बारे में, फीचर्स के बारे में आज डिटेल में बताने वाला हूँ। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। अगर हम बात करें फ्रंट के बारे में तो आप देख सकते हैं इसमें हमें अडैप्टिव LED टर्न सिग्नल्स देखने को मिलते हैं जो कि स्वाइपिंग टाइप वाले हैं। बाकी LED हेडलैम्प्स इसमें देखने को मिल जाते हैं और यहाँ तक आपको LED डेटम रेन लाइट्स देखने को मिल जाती है। ओवरऑल यहाँ पर आपको फॉग लैम्प्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एयर डैम से देखने को मिल जाता है टू मेक द एयर फ्लो थ्रू हेयर। एज यू कैन सी यहाँ पर आपको टोइंग हुक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ग्रिल जो है वो एक टाइप से हेडलैम्प से कनेक्ट होती है। एज यू कैन सी यहाँ पर सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाता है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाता है। दिस इज द न्यू महिंद्रा लोगो जो इस व्हीकल में आपको फिटेड देखने को मिलेगा ओनली फॉर द XUV 700। फ्रंट में आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा ऑफ कोर्स एज दिस वन हैज 360 डिग्री कैमरा। बाकी यहाँ पर नंबर प्लेट हाउसिंग, गन मेटल फिनिश में स्किड प्लेट, आपको ADAS के यानी कि रेडार मॉड्यूल देखने को मिल जाता है यहाँ पर फ्रंट में, और यहाँ पर ADAS आपको देखने को मिल जाता है, रेडिएटर ग्रिल भी जिसको हम बोल सकते हैं। बाकी मैं आपको एक और बारी प्रोफाइल दिखा देता हूँ व्हीकल की ओवरऑल। सो लेट्स गो टू द साइड ऑफ द व्हीकल। तो कुछ ऐसी रहती है व्हीकल साइड से। एंड अगर हम इसके अलॉय व्हील्स के बारे में बात करें तो दीज आर R18 मशीन टाइप ऑफ अलॉय व्हील्स या डायमंड कट जिसको बोल सकते हैं। इनकी प्रोफाइल जो है दैट इज़ 285/60 R18, और यहाँ पर भी आपको महिंद्रा का नया लोगो देखने को मिल जाता है एंड द अलॉय व्हील्स लुक गुड। मैं एक बार फिर से आपको साइड से व्हीकल की ओवरऑल प्रोफाइल दिखा देता हूँ। और अब अगर हम साइड मिरर्स के बारे में बात करें तो साइड मिरर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे रहते हैं, टर्न सिग्नल्स आपको साइड मिरर पर देखने मिलेंगे। यहाँ पर आपको कैमरा भी देखने मिल जाता है, अगेन दिस व्हीकल हैज 360 डिग्री कैमरा, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने मिल जाता है आपको साइड मिरर स्पेस के। बाकी इसमें आपको जो डोर हैंडल्स देखने मिलते हैं दैट आर स्मार्ट डोर हैंडल्स। अगर आप लग्जरी पैक लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जब आप लॉक करेंगे तो अंदर चले जाएंगे एंड जब आप अनलॉक करेंगे तो ये बाहर आ जाएंगे। तो लेट मी ट्राई टू ओपन इट। तो ये कुछ ऐसे ओपन होते हैं और यहाँ पर आप की भी इंसर्ट कर सकते हैं इन केस दे आर नॉट वर्किंग। एंड कुछ ऐसे ये जो डोर हैंडल है ओपन हो जाते हैं। एंड इंटीरियर के बारे में भी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। एज यू कैन सी यहाँ पर आपको सीट एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिक देखने को मिल जाती है फॉर द ड्राइवर साइड। बाकी अभी चलते हैं टू द अदर साइड ऑफ द व्हीकल। तो ये है कुछ रेयर से प्रोफाइल ऑफ द व्हीकल। यहाँ पर आपको जो ओवरऑल विंडो लाइन जा रही है वहाँ पर आपको क्रोम या सिल्वर सा फिनिश देखने को मिल जाता है ओवरऑल टिल देयर। एंड यहाँ पर आप पीछे की तरफ आएँ तो आपको LED टेल लैम्प्स फ्रॉम बेस मॉडल MX से देखने को मिल जाते हैं इस व्हीकल में स्टैंडर्ड। इसमें भी आपको अडैप्टिव या स्वाइपिंग इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं एज यू कैन सी, और XUV 700 की बैजिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आपको AX7 की भी बैजिंग देखने को मिल जाती है। ये है इसके रेयर रिफ्लेक्टर्स एंड गन मेटल फिनिश में आपको इसका रेयर बम्पर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी टोइंग का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको ट्विन पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कैमरा जो है वो फिटेड देखने को मिल जाता है, महिंद्रा का नया लोगो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नंबर प्लेट हाउसिंग इज़ हेयर। बाकी फिर से मैं आपको ओवरऑल इसकी रेयर प्रोफाइल दिखा देता हूँ। कुछ ऐसी रहती है व्हीकल की ओवरऑल रेयर प्रोफाइल। एंड यहाँ पर आपको वाइपर एंटी फॉगर देखने को भी मिल जाता है। बाकी इस व्हीकल की रूफ पे आपको एक स्पॉइलर सा देखने को मिल जाता है विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड अ शार्क फिन एंटेना इज आल्सो अवेलेबल इन द व्हीकल। दिस इज द टॉप एंड वेरिएंट ऑफ कोर्स, इसमें आपको शार्क फिन एंटेना तो देखने को मिलेगा एंड आप स्पॉइलर का भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश बाकी बॉडी पेंट सा देखने को मिल जाता है इस तरफ ओवरऑल। एंड इसके जो आपको नंबर प्लेट हाउसिंग के लिए लाइट भी देखने को मिलती है दैट इज आल्सो एन LED वाइट लाइट। बाकी अगर हम इसको ओपन करें बूट को तो मैं बूट भी दिखा देता हूँ आपको व्हीकल का। इसका जो बूट है ओपन करने में काफ़ी लाइट है, जैसे कि ये लाइट मेड है, बट यहाँ पर आपको कोई बटन नहीं मिलता टू क्लोज द बूट, आपको इसको मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा। दिस इज़ द 7-सीटर वेरियंट एज दिस इज द AX7 मॉडल। तो इसकी जो सीट्स हैं अगर हम सारी अप करें तो कुछ इतनी बूट स्पेस जो है वो बचती है अभी, इट इज़ नॉट गुड। बाकी अगर हम इसको क्लोज करें ऐसे इनको रिट्रैक्ट करें तो कुछ इतनी बूट स्पेस जो है वो बन जाएगी। एंड यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं एयर कंडीशनिंग वेंट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कप होल्डर देखने को मिल जाएगा, स्पीकर देखने को मिल जाएगा, इस तरफ भी आपको AC वेंट के कंट्रोल फ्लो का कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, AC वेंट देखने को मिल जाएगा, 12 वोल्ट का एक्सेसरी सॉकेट एंड कप होल्डर हेयर। अभी इनको वापस से इनकी पोजिशन पर ले आते हैं सीट्स को बिकॉज आई विल शो यू व्हेन आई विल सिट इनसाइड। तो अभी इसको कर लेते हैं हम क्लोज एंड लेट्स मूव ऑन टू द अदर साइड ऑफ द व्हीकल। अगर हम व्हीकल के और डिटेल्स डायमेंशंस के बारे में बात करें तो इस व्हीकल की जो लेंथ है दैट इज़ 4695 मिलीमीटर्स,
विड्थ व्हीकल की रहती है 1890 मिलीमीटर्स की, हाइट रहती है 1755 मिलीमीटर्स की विद रूफ रेल्स, एंड व्हील बेस इस व्हीकल का रहता है 2750 मिलीमीटर्स का। ग्राउंड क्लियरेंस भी इस व्हीकल में आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, नॉट वेरी मच बट हाँ आपको ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस जो है देखने को मिल जाती है। फ्रंट में इसमें आपको जो ब्रेक्स देखने को मिलती है टाटा वेंटिलेटेड फ्रंट डिस्क ब्रेक्स, रेयर में आपको रेड सॉलिड डिस्क देखने को मिलेंगी इस व्हीकल में। बाकी अगर हम इसके इंजन ऑप्शंस के बारे में बात करें, इसमें हमें दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलेंगे विच विल बी अ 2 लीटर पेट्रोल एम स्टालियन विच विल बी अ टर्बो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन जो प्रोड्यूस करेगा 200 bhp ऑफ पावर एट 380 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एंड विल बी ऑफर्ड विद 6-speed मैनुअल एंड अ 6-speed टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। दूसरे इंजन के बारे में बात करें, दूसरा रहेगा 2.2 लीटर एम हॉक डीजल विच विल बी अ CRDI यानी कि कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन जो MX वेरिएंट के लिए प्रोड्यूस करेगा 155 bhp एट 360 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एंड फॉर द AX वेरिएंट इट विल प्रोड्यूस 185 bhp एट 420 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क फॉर द मैनुअल एंड 450 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क फॉर द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस व्हीकल में आपको देखने को मिलती है 60 लीटर्स की। इसमें जो वेरिएंट्स हमें देखने को मिलते हैं दैट आर MX, AX3, AX5 एंड AX7। अगर हम बात करें टोटल वेरिएंट्स की इंक्लूडिंग द मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड 5-seater 7-seater कॉन्फ़िगरेशन तो टोटल वेरिएंट्स इसमें आपको 23 देखने को मिलेंगे। जी हाँ, इसमें आपको टोटल 23 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। बाकी और चीज़ों के बारे में बात करें, इसमें जो हमें ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन देखने को मिलता है दैट इज़ ओनली फॉर द टॉप मॉडल इन डीजल विच इज़ द AX7 जो कि अभी सामने खड़ा है। इस व्हीकल में हमें जो कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे दैट विल बी एवरेस्ट वाइट, मिड नाइट ब्लैक, डैजलिंग सिल्वर, रेड रेज एंड इलेक्ट्रिक ब्लू जो कि अभी सामने खड़ा है। मतलब कि टोटल 5 कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें, इस व्हीकल में आपको देखने को मिलेगा ABS, EBD, रेयर पार्किंग सेंसर्स एंड रेयर पार्किंग कैमरा, ADAS यानी कि लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एटसेट्रा। 7 एयरबैग्स आपको इसके लग्जरी पैक में देखने को मिल जाएंगे इफ़ यू बाय द लग्जरी पैक। ESP देखने को मिल जाएगा, ऑटो बूस्टर हेडलैम्प्स, पर्सनलाइज सेफ्टी अलर्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंड ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। AX7 जो है वो सिर्फ 7-seater कॉन्फ़िगरेशन में ही ऑफर करा जाएगा एंड MX जो है वो सिर्फ 5-seater कॉन्फ़िगरेशन में ही ऑफर करा जाता है। अगर हम इसके लग्जरी पैक के फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको लग्जरी पैक में देखने को मिलता है 3D सराउंड साउंड सिस्टम जो कि सोनी का है, 7 एयरबैग्स, टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग, वैनिटी मिरर इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिक स्मार्ट डोर हैंडल्स एंड सराउंड व्यू मॉनिटर जिसके लिए आपको 1.8 लाख एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे टू गेट द लग्जरी पैक फॉर द XUV700. सो दिस इज द वेरिएंट वाइज प्राइसिंग ऑफ XUV700. आप अपनी स्क्रीन के सामने पॉज करके इसको देख सकते हैं एंड दिस इज द करंट प्राइसिंग आफ्टर 50,000 बुकिंग्स। एंड अगर आप व्हीकल को अभी बुक करवाते हैं एंड यू टेक डिलीवरी लेटर तो आपको उस टाइम का प्राइस पे करना पड़ेगा। साइड आप रेयर में देख सकते हैं एड्रीनॉक्सी बैजिंग देखने को मिल जाती है विच इज द कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ऑफ दिस व्हीकल। यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश अगेन फ्रॉम रेयर टू फ्रंट देखने को मिल जाता है टिल हियर विच लुक्स क्वाइट गुड। बाकी आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिशेस देखने को मिलते हैं विच आर अगेन वेरी गुड। बाकी ये कुछ टायर्स रहते हैं इस व्हीकल के। लोअर एंड वेरिएंट्स में आपको 17 इंच देखने को मिलेंगे यानी कि MX वेरिएंट में एंड इसका जो स्पेयर व्हील भी है वो भी है टेम्परेरी R18 साइज का स्पेयर व्हील जो कि आपको इस तरफ नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है। सो गाइज ये है इंटीरियर ऑफ द XUV700. आप इसका स्टेयरिंग व्हील देख सकते हैं नए महिंद्रा लोगों के साथ। हॉर्न के बारे में बात करें तो हॉर्न कुछ ऐसा मिलता है एंड ये इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स एंड यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह के बटन एंड आपको इसमें 10.25 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा विद स्पीडोमीटर एंड टकोमीटर बोथ डिजिटल। यहाँ पर आपको डोर वार्निंग, बूट वार्निंग एंड बोनेट वार्निंग भी देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं 7 बनी हुई है पूरी। यहाँ पर आपको डिस्प्ले आ जाएगा कि अभी लाइट ऑन है एंड ऑल। यहाँ पर टाइम का डिस्प्ले आ जाता है। 10.25 इंचेस का ही आपको इसमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो देखने मिलता है विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कापले एंड एड्रीनॉक्स कनेक्टिविटी जैसे कि आप देख सकते हैं।
एड्रेनॉक्स की बैजिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पर आपको एक और वार्निंग सी देखने को मिल रही है एज यू कैन सी राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में एसी के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं डुअल क्लाइमेट कंट्रोल एसी आपको देखने को मिलता है डिफरेंट फॉर द को पैसेंजर एंड ड्राइवर के लिए आपको अलग अलग क्लाइमेट सेट कर सकते हैं यहाँ पर हमें थोड़े और स्विचेस या बटन से देखने को मिल जाते हैं एज यू कैन सी एंड दीज आर क्वाइट आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द थर्ड सेंटर कंसोल हैजल लाइट्स का बटन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इससे एंड यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाएगी एंड यहाँ पर आपको यूएसबी सॉकेट एंड एक चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर आपको अगेन मोर स्टोरेज देखने को मिल जाती है विच इज डीप इनफ यहाँ पर पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको एक टाइप से गन मेटल फिनिश अगेन देखने को मिल जाता है ये हैं इसके कुछ एसी वेंट्स यहाँ पर आपको लेदर फिनिश देखने को मिल जाता है काफ़ी अच्छा जो रहता है ये थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है ये लेदर है सॉफ्ट लेदर एंड ये भी थोड़ा सॉफ्ट ही रहता है एंड यहाँ पर भी थोड़ा आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको सब वूफर देखने को मिल जाता है इन द सेंटर ऑफ द व्हीकल अगर हम इसके स्टोरेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको इसका ग्लव बॉक्स है जो उसमें स्टोरेज यहाँ पर आपको पेपर वर्क के लिए देखने को मिल जाती है यहाँ पर थोड़ी और स्टोरेज देखने को मिल जाती है एंड एज यू कैन सी यहाँ पर हमें कूल्ड वगैरह कुछ फीचर नहीं देखने को मिलता है ये है व्हीकल की 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखने को मिलती है विद ऑटो होल्ड फीचर इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करने के यहाँ पर आपको मिल जाता है ये डायल्स एंड सम मोर बटन्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं दो कप होल्डर स्लाइडेबल फ्रंट आर्मरेस्ट देखने को मिलता है विद सम स्टोरेज एज यू कैन सी इसके अंदर स्टोरेज रहती है एंड अगर हम स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट के बारे में बात करें तो इसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक वाला फीचर अभी काम नहीं कर रहा बिकॉज दिस मॉडल डज नॉट हैव टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग बट ओनली टिल्ट इसमें अगर आप लग्जरी पैक लेते हैं तो उसमें आपको टेलीस्कोपिक का भी फीचर देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको वाइपर के टॉगल एंड इस तरफ आपको टर्न सिग्नल एंड हेडलैम्प्स के ऑटो हेडलैम्प्स के टॉगल देखने को मिल जाते हैं ड्राइवर साइड एसी वेंट की तरफ भी आपको सॉफ्ट टच लेदर मटेरियल देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको हेडलैम्प लेवलर एंड सम मोर बटन्स जैसे कि हिल होल्ड कंट्रोल एंड ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन देखने को मिल जाते हैं ये इसका ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में ग्रैब हैंडल यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल पावर विंडो लॉक कार के लॉक अनलॉक करने के लिए आपको इसके जो साइड मिरर्स हैं उसकी एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर बटन जो है देखने को मिल जाता है बाकी इसकी जो सीट्स है दैट कम विद मेमोरी फंक्शन जैसे ही मैं बैठूंगा मेरे हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी और मैं जब उतरूंगा तो पीछे चली जाती है सीट यहाँ पर डोर हैंडल पे सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाता है दो डमी बटन्स देखने को मिलते हैं एंड इससे मैं अपनी बैक रेस्ट एडजस्ट कर पाऊंगा सीट की और ड्राइवर सीट ऊपर नीचे भी आगे पीछे भी इसी स्विच से हो जाएगी बाकी इस तरफ आपको डोर पे ट्विटर भी देखने को मिल जाता है एज यू कैन सी सोनी की ब्रांडिंग भी इस तरफ आपको देखने को मिल जाती है एंड और चीज़ों के बारे में बात करें यहाँ पर आपको सन वाइजर सा देखने को मिल जाता है व्हीकल में जिसमें आपको कुछ नहीं देखने को मिलता नो मिरर यहाँ पर आपको अगेन सोनी का 3D सिस्टम देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको रूफ माउंटेड स्पीकर एंड इस तरफ आपको लैंप्स देखने को मिल जाते हैं फॉर द व्हीकल जो कि मैं अभी आपको ऑन करके दिखाता हूँ LED डोम लैंप्स ये सनरूफ को ओपन एंड क्लोज करने का बटन रहता है जो कि अभी मैं आपको सनरूफ खोल के दिखाता हूँ तो देख सकते हैं आप इतनी मैसिवली ओपन हो जाती है सनरूफ एंड इससे मैं बाहर भी निकल के दिखाता हूँ कि कितना ईजिली मैं खड़ा हो सकता हूँ बाहर एंड अभी भी काफ़ी स्पेस है मेरे आसपास आप देख सकते हैं काफ़ी मैसिव सनरूफ इस व्हीकल की रहती है इस तरफ भी आपको सनवाइजर जो देखने को मिलता है उसमें आपको एक मिरर देखने को मिल जाता है बट नो लाइट ये लग्जरी पैक में ही देखने को मिलेगी आपको एंड यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा नो ग्रैब हैंडल फॉर द ड्राइवर एंड सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए भी आपको LED रीडिंग लाइट्स पीछे देखने को मिल जाती हैं आपको को ड्राइवर साइड एंड ड्राइवर साइड सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है एयरबैग्स देयर एज वेल मैं अभी आपको जूम करके दिखा देता हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं बाकी अगेन ये रहती है कुछ ओवरऑल लुक ऑफ द इंटीरियर ऑफ द व्हीकल राइट इन फ्रंट ऑफ यू अब जैसे कि मैंने डोर को ओपन कर दिया तो अब ये सीट अपने आप ही पीछे जानी शुरू हो गई बिकॉज आई एम लीविंग द व्हीकल एंड द सीट विल बी एडजस्टेड एंड विल बी गोइंग बैक ऑटोमेटिकली और जब मैं बैठूंगा फिर से ये आगे आने लग जाएगी मेरे हिसाब के एडजस्टमेंट से बाकी यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत स्टोरेज एंड यहाँ पर आप बॉटल होल्डर देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको नाइट टाइम रिफ्लेक्टर देखने को भी मिल जाता है एंड एज दिस इज द मैनुअल ट्रांसमिशन वेरियंट इसमें आपको 3 पेडल एंड क्लच फुटरेस्ट भी देखने को मिल जाता है एज यू कैन सी राइट इन फ्रंट ऑफ यू हुड ओपनर बोनेट ओपनर आपको सिर्फ देखने को मिल जाता है नियर द पेडल्स एज यू कैन सी बाकी XUV में जो आपको को पैसेंजर साइड वाली सीट है उसकी सारी मैनुअल एडजस्टमेंट देखने को मिलती है नो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फॉर दिस ओनली फॉर द ड्राइवर यू गेट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट बाकी इसका जो रियर व्यू मिरर है इनसाइड रियर व्यू मिरर दैट इज नॉट ऑटो डिमिंग दिस इज जस्ट अ सिंपल वन एज यू कैन सी राइट इन फ्रंट ऑफ यू रेट सीटिंग के बारे में बात करें तो फ्रंट जो सीट है मेरी वो अभी मेरे हिसाब से एडजस्ट नहीं है बट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लेग रूम
मेरे पास है। अंडर थाई सपोर्ट भी काफी अच्छी रहती है व्हीकल में। रेड सीट्स में हमें तीन हेडरेस्ट देखने मिलते हैं जिसमें से दो एडजस्टेबल हैं, एक फिक्स्ड है। हैंडरेस्ट पीस में जो देखने मिलता है उसमें आपको ट्विन कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए आपको रेयर एसी वेंट्स यहाँ पर देखने मिल जाते हैं दो, और आपको एक USB-C चार्जिंग सॉकेट एंड यहाँ पर फोन रखने के लिए थोड़ी कभी होल सा देखने को मिल जाता है। रेयर सीट बैक पॉकेट आपको दोनों तरफ देखने को मिल जाती है फॉर द ड्राइवर एंड द को ड्राइवर। एंड यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाता है। यहाँ पर फॉक्स वुडन फिनिश एंड अगेन सिल्वर फिनिश ऑन द डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर देखने को मिल जाता है एंड सम मोर स्टोरेज। पावर विंडो का कंट्रोल भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है एज यू कैन सी। बाकी अगर हम बात करें को पैसेंजर की पीछे वाली सीट की, यानी कि अगर आप इसके पीछे बैठेंगे को पैसेंजर सीट के, तो यहाँ पर आपको एक ये हैंडल देखने को मिल जाता है जिससे आप को पैसेंजर सीट जो है आगे पीछे कर पाएंगे बाय पुलिंग दिस एज यू कैन सी। ऐसा ही कुछ हमें सफारी में भी देखने को मिल जाता है बॉस मोड के नाम से, जिससे आप ये लीवर पुल करके आगे पीछे कर पाएंगे सीट को। हेडरूम के बारे में बात करूँ तो हेडरूम आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रहता है मेरे लिए। माई हाइट इज 5'6" फॉर रेफरेंस एंड इसमें लार्जेस्ट 10 सेगमेंट स्काई रूफ भी देखने को मिलती है, उससे भी काफ़ी अच्छा हेडरूम जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी इसकी जो सीट है वो रिक्लाइनेबल है रेयर वाली एंड काफ़ी ठीक एंगल तक रिक्लाइन हो जाती है। मैक्सिमम एंगल है अभी रिक्लाइन वाला, इसको मैं ऐसे करके आगे भी कर सकता हूँ एज यू कैन सी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड रो ऑफ द व्हीकल। Climbing inside to get to the third row of the vehicle can be a bit of a task, and especially for older people, although I would not suggest for older people to sit in the third row. तो नाउ आई एम इन द थर्ड रो ऑफ द XUV700W। आप देख सकते हैं मेरे पास लेग रूम जो है इतना है एंड अंडर थाई सपोर्ट ऑफ कोर्स इट विल बी पुअर एज दिस इज द थर्ड रो ऑफ द व्हीकल। बाकी जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया यहाँ पर आपको एयर कंडीशनिंग वेंट्स एंड कप होल्डर देखने को मिल जाता है, एक्सेसरी सॉकेट उस तरफ एंड अगेन AC वेंट एंड आपको ब्लोअर के कंट्रोल्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। हेडरूम के बारे में बात करूँ तो वो भी अभी आपको दिखा देता हूँ। बाकी यहाँ पर आपको रूफ माउंटेड स्पीकर देखने को मिल जाता है, दिस हैज द 3D साउंड सिस्टम बाय सोनी और यहाँ पर ग्रैब हैंडल अगेन विद हैंगिंग हुक, सेम गोज फॉर हेयर ग्रैब हैंडल हैंगिंग हुक, यहाँ पर रूफ माउंटेड स्पीकर देखने को मिल जाता है। बाकी हेडरूम मेरे पास अभी कुछ इतना है, जैसे मैंने आपको बताया 5'6" इज माई हाइट फॉर रेफरेंस। थर्ड रो में भी आपको दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं फॉर द पैसेंजर्स। बाकी मैं कहूँगा कि एक बंदा कंफर्टेबली मेरे जैसा सेट हो सकता है, यहाँ पर बैठ सकता है आराम से, नॉट टू पीपल के लिए काफ़ी कंजस्टेड हो जाएगा यहाँ पर। एंड ऑफकोर्स लॉन्ग रन के लिए भी मैं आपको लॉन्ग टूर के लिए भी एक ही बंदा बिठा सकते आप पीछे, एंड अगर आपके पास लगेज है तो ऑफकोर्स 5 बंदे ही बैठ पाएंगे इजीली आराम से आगे।